वो ये है कि एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार हम लोगों ने देखा भी है पिछले 2-3 दिनों में कि कहीं पे गाड़ी पलट जा रही है। ख़ास तौर पे जो लोग बाइक से जा रहे हैं उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गड्ढा कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है ये अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठहरिए, आपको लग रहा होगा कि ट्रैफिक एसपी साहब किसी ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। ये आपकी राजधानी रांची की बात हो रही है। कुछ यही स्थिति है जिसे हम कहते हैं बद से बदतर। तस्वीरों को देखकर आप माथा पकड़ लेंगे और कहेंगे कि क्या यही है राजधानी। और साथ में आपको बताते चलें, जिन्हें ट्रैफिक व्यवस्था को देखना है आज उन्हें सड़क देखना पड़ रहा है, और इससे जुड़े हुए अधिकारी जहां तक मुझे लगता है कि वे ऑफिस में बैठे हैं। लेकिन रांची की जनता की परेशानियों को देखते हुए ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक को देखते हुए गड्ढे में तब्दील सड़क को लेकर क्या कुछ किया है वो भी आपको आगे हम बताएंगे। रांची शहर में चल रहा है निर्माण कार्य। रांची की सड़कें हुई बदहाल, लोगों का चलना हुआ दुभर। तरह तरह के कामों के लिए ठेकेदारों ने किया सड़क खराब। सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे किसी बड़ी घटना को दे रहे हैं दावत, लेकिन ठेकेदार है बेपरवाह। खोदे गए गड्ढे को कहीं आधा अधूरा घेरा गया तो कहीं खुला छोड़ दिया गया, जिससे कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। रांची शहर की स्थिति हुई बद से बदतर। सही सुन रहे हैं आप। आपको बताते चलें, कुछ दिनों पूर्व एसएमपी न्यूज ने आपको दिखाया था बरसात शुरू होने से पहले रांची की नालों की क्या कुछ है स्थिति। लेकिन आज फिर कुछ तस्वीरों को देखकर आप माथा पकड़ लेंगे और कहेंगे कि क्या यही है राजधानी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका जिम्मेवार कौन? कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण जवाब जरूर लिखें। रांची शहर में चल रहा है जोर शोर से निर्माण कार्य। कई लोग कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, लेकिन यह कौन सा निर्माण कार्य है जहां सुरक्षा को ताक पर रखकर किया जा रहा है निर्माण कार्य? तो वहीं यदि हम कुछ खूबसूरत सड़कों की बात करें तो जैसे हरमू रोड, जिसे वीवीआईपी रोड भी कहते हैं, दूसरा बड़ियातू रोड, इस सड़क पर हम चलेंगे और वहां की तस्वीरों से भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन पहले आइए हम आपको दिखाते हैं चल रहे निर्माण कार्य का पहला तस्वीर। कचहरी चौक का है, यहां पर आप देख सकते हैं नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों ने कहा पिछले तकरीबन एक महीना से इतना ही कार्य हुआ है और इसके बाद यहां के ठेकेदार कहां गए पता नहीं। या तो इसे भर दिया जाता और नहीं तो कम से कम साइड में बैरिकेडिंग कर कवर कर दिया जाता कि कोई इसमें गिरे नहीं। लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ एंगल के सहारे रस्सी बांध दिया गया और रांची की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। चलिए यहां से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यह कांटा टोली चौक के पास का तस्वीर है। आप देख सकते हैं सड़क के दोनों साइड में नाली निर्माण का काम चल रहा है। यहां की भी स्थिति वही है, यहां भी कोई सुरक्षा नहीं। टू वे सड़क को सिंगल कर दिया गया जिसके चलते यहां ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है और एक साइड नहीं दोनों साइड से नाला निर्माण का कार्य चल रहा है। यही नहीं, एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। यहां आप देख सकते हैं ये लोहे के छड़ ऊपर की तरफ मोड़े गए हैं। अब आप खुद समझिए, यदि गलती से कोई इस पर गिर जाता है तो क्या वह बच पाएगा? खुद सोचें आप, कहां है सुरक्षा और कैसा है घेरा? बरसात का मौसम है, जरा सा भी आप इधर उधर हुए तो कहां जाएंगे पता नहीं। रात के अंधेरे में यदि आपको पता नहीं चला तो क्या होगा? इससे यहां कार्य कर रहे ठेकेदार को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखकर तो यही लग रहा है। यहां आप एक तस्वीर को देखें, एक एम्बुलेंस सायरन बजा रहा है लेकिन वह जाए तो कहां जाए? कैसे जाए? रेंगता हुआ किसी तरह आगे की तरफ बढ़ रहा है।
निर्माण कार्य में लगा ट्रैक्टर भी बीच सड़क पर लगा दिया गया है, उसे एम्बुलेंस से कोई मतलब नहीं है और सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है। इसीलिए हमने कहा इन मार्गों पर चलने वाले लोगों के साथ क्या यह सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं, बड़ियातू रोड मेडिका हॉस्पिटल के सामने क्या कुछ परिस्थिति है सड़क का तस्वीरें बयां कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि हम किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में आ गए हों, मानो यह राजधानी की सड़क है ही नहीं। यहाँ भी बारिश होने के बाद पैदल चलने वाले लोग कीचड़ से भर जाते हैं। अब हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे, लेकिन कुछ दिन पूर्व बरसात से पहले हमने देखा नाली का पानी इस सड़क पे हमेशा पार करते रहता है। हो सकता है इसके चलते भी इस सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। इसे भी देखने वाला कोई नहीं, जनता मरती है तो मरती रहे, सरकारी बाबुओं को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शायद वो भी निकलेंगे बाहर तो उनके शरीर पे कीचड़ पड़ सकता है। हालांकि इन तस्वीरों को आपके समक्ष लाने के लिए हमारी टीम ने काफी मेहनत की इस बारिश में भी। इस खबर को करने के लिए गई टीम पूरे कीचड़ से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना किसी को तो आईना दिखाना पड़ेगा कि आखिर हमारे शहर का क्या कुछ दुर्दशा है और कैसे हैं यहाँ के सरकारी बाबू। थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं, बोटी मोड़ से आरएमसीएच जाने के क्रम में डॉक्टर के सिन्हा की आवाज से पहले एक चौक है जो कि अब बरगाई की तरफ रोड जाता है बड़ियातू से। यहाँ तो बहुत ही बुरा स्थिति है, गड्ढे इतने डेंजर है कि यदि आप वाहन से हाई पिकअप में आप पार किए तो आपका गिरना तय है। यहाँ गिरने के बाद फिर क्या कुछ होगा वह गिरने वाला ही समझेगा। नहीं विश्वास है आपको तो आप खुद जाकर देखें उन गड्ढों को, बद से बदतर स्थिति है और लोग मजबूरी में गाड़ियों को उन गड्ढों में धीरे धीरे पार कराते हुए नजर आए। और यहाँ आपको हम बताते चले, आज से कुछ दिन पूर्व इसी के आसपास एक ट्रक भी पलटी खाया था। बाकी गड्ढों के चलते तो ट्रैफिक जाम होना लाजमी है, लेकिन सोचिए जब कोई पेशेंट एम्बुलेंस में इस मार्ग से जा रहा हो तो उसके ऊपर क्या बीतेगा या क्या बीत रहा होगा। खैर आइए थोड़ा सा आगे और हम बढ़ते हैं, आरएमसीएच का गेट है जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। इस हॉस्पिटल में प्रवेश करने से पहले ही देखिए आप बारिश के मौसम में इस प्रवेश गेट के पास क्या कुछ परिस्थिति है। गड्ढों में जमा पानी को जैसे तैसे लोग पार करके हॉस्पिटल आ जा रहे हैं। अब सोचिए किसी बुजुर्ग को इस रास्ते से जाना हो तो वो कैसे जाएंगे पैदल, या तो गड्ढे में गिरेंगे और नहीं तो जो एम्बुलेंस पार कर रहा होगा, क्योंकि एम्बुलेंस का तो हाई पिकअप में ही जाना होता है, तो वो इस कीचड़ को उन लोगों के ऊपर उड़ाता हुआ पार हो जाएगा। आइए अब आपको हम लिए चलते हैं रांची का वीवीआईपी रोड, यह है हरमू रोड गौशाला कड्डी के आगे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कार्य प्रगति पर है। यहाँ भी आसपास के लोग ऑफ द कैमरा कहते नजर आए यह कौन सा प्रगति है, गड्ढा खोदकर कई कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ना ही यहाँ निर्माण कार्य दिखता है और ना ही निर्माण कार्य से जुड़े कोई कर्मचारी दिखते हैं। हाँ कभी कभार जरूर देखने आ जाते हैं, वो क्या देखते हैं भगवान जाने। आपको यहाँ बताते चले गेल कंपनी के द्वारा पाइपलाइन का कार्य हो रहा है। और थोड़ा सा आगे इसी रोड पर शक्ति पेट्रोल पंप के समीप आप देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा है, यह सुरक्षा का ख्याल कितना रखा गया है यह भी आप देख सकते हैं। आधा अधूरा इक्का दुक्का बोर्ड खड़ा कर दिया गया है और यहाँ भी लिख दिया गया है कार्य प्रगति पे है। ऑफ द कैमरा कई लोग कहते भी नजर आते हैं और मेरे ख्याल से शायद आपके भी दिमाग में होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या राज्य गठन के बाद से आज तक कोई भी कार्य इस शहर में प्लानिंग करके हुआ या प्लानिंग करके होता है। हालांकि कई लोग फिर से कहते ये नजर आए कि यदि प्लानिंग करके होता तो शायद आज ये बद से बदतर स्थिति शायद मेरे ख्याल से नहीं होता। हालांकि कई लोग से हम जानने की कोशिश किए तो लोग कैमरे को देखते ही साइड हो गए। उन्होंने साफ कहा क्या बोलना, कोई फायदा तो है नहीं, जब से हम लोग यहाँ हैं तब से यही देख रहे हैं, कभी उसको तोड़ो तो उसको बनाओ और उसको तोड़ो तो उसको बनाओ, तो लगातार तोड़ फोड़ यहाँ चलते रहता है और हम लोग को भी आदत से बन गया है। तो खासकर राजधानी वासी अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करते नजर आए और ये किसके चलते यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बढ़िया सड़क बनाने के बाद याद आता है कि नाली भी बनाना है, उसके बाद पाइपलाइन का काम भी करना है, बिजली का भी काम करना है,
फिर उसी सड़क को खोदकर गड्ढे में तब्दील करके लिख दिया जाता है कार्य प्रगति पे है। बाहर प्रगति और बाहर यहाँ के ठेकेदार की जनता को गड्ढे में मरने के लिए छोड़ दिए। इस सड़क पे चलना है तो आप भगवान भरोसे चलें और अपने हिसाब से चलें, वरना इसके जिम्मेवार आप होंगे। यही नहीं, एक बार नाला बना दिए, कुछ दिन बाद फिर से उसको तोड़कर नया बनाया जाता है या उसके बगल में नया नाले का निर्माण किया जाता है कि वह सही नहीं था। हालांकि बातें कड़वी है लेकिन हकीकत यही है। लेकिन राजधानी रांची की जनता की परेशानियों को देखते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जामा ने एक पहल की और रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इनसे जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और उनके द्वारा यह आदेश दिया गया है कि इन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इस पर हमें किसी से कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। बहरहाल यह बद से बदतर स्थिति कब तक सही होती है यह तो वक्त बताएगा और देखने वाली बात होगी। लेकिन रांची के ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जामा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमने देखा कि आप लोगों ने दो दिन पहले एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, क्या कुछ था वो? देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सड़कों में बहुत सारा सिविल वर्क्स चल रहा है। सिविल वर्क्स चलने के कारण जैसे ही बारिश होती है गड्ढों में पानी भर जाता है। अब गड्ढों में पानी भरने के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि रोड में भी पानी आ रहा है, स्पिल ओवर हो रहा है, तो सड़क जो है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही है। ऑलरेडी शहर की जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं, सकरी हैं, तो सकरी सड़कों का अगर एक हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा तो गाड़ियों को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। और दूसरा ये होता है कि जब भी बारिश होगी, खासतौर पर टू व्हीलर वाले जो लोग हैं वो रुके रहते हैं, वेट करते हैं, बारिश ख़त्म होने के बाद सब लोग एक साथ निकलते हैं। वैसी स्थिति में जहाँ पर सड़कों पर पानी जम जा रहा है, आधी सड़क इस्तेमाल हो पा रही है और सब लोग एक साथ निकल रहे हैं, तो ट्रैफिक जो है वो बहुत धीरे चलता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या जो कि गड्ढों के कारण हो रही है वो ये है कि एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार हम लोगों ने देखा भी है पिछले दो तीन दिनों में कि कहीं पर गाड़ी पलट जा रही है। ख़ासतौर पर जो लोग बाइक से जा रहे हैं उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गड्ढा कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, ये अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि हम लोग की मीटिंग ऑलरेडी हुई है, तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि बहुत जल्दी आप उसमें इम्प्रूवमेंट देखिएगा। एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए कुछ कुछ निर्णय हुआ है, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा रहा है, क्योंकि विभाग बहुत सारे हैं, कभी कभी पता नहीं चल पाता है, तो इस पर भी चर्चा जरूर हुई है कि अगर कोई विभाग काम कर रहा है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे कंसर्न्ड लाइन डिपार्टमेंट्स को जरूर इन्फॉर्म करे। तो मुझे लगता है कि अब एक मैकेनिज्म डेवलप होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी कार्य चल रहा है, देखिए वो कार्य भी इम्पोर्टेंट है, वो जो अगर सड़क का वो चौड़ा किया जा रहा है या पाइपलाइन बिछाया जा रहा है वो कार्य इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन अगर उसको ससमय पूरा कर लिया जाए तो ट्रैफिक की स्थिति में जरूर आप लोग सुधार देखेंगे। सर, आपने बोला कि ठीक है काम जरूरी है, ये सब कोई मानता है काम जरूरी है, लेकिन जहां पे भी काम चल रहा है वहां पे सुरक्षा मानक को ताक पे रख के काम हो रहा है। चाहे आप रेडियम चौक का देख लीजिए, कांटा टोली चौक में देख लीजिए, वहां पे ना बैरिकेडिंग है ना कुछ है, बस गड्ढे खोद करके छोड़ दिए जा रहे हैं, उसमें लोहे के तार लगाकर एंगल जो बोलते हैं तो जहां जहां पे हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट होने की संभावना है और वहां पे बोर्ड्स नहीं लगाए गए हैं, एंगल्स नहीं लगाए गए हैं, तो उसके लिए भी हम लोग पत्राचार निश्चित तौर पे करेंगे। लेकिन जहां तक नियम वाली बात है उस पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, बिकॉज वो डिपार्टमेंट का इंटरनल मैटर है। आई एम श्योर कि अगर ये बात उन विभागों तक पहुंचती है तो वहां से संज्ञान लेके निर्णय उस पे लिया जाएगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।